where six governments will be exchanged, and the MOU between the Training Unit of the Italian Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation and the Foreign Service Institute of the Ministry of External Affairs to be exchanged by the Italian Ambassador, His Excellency Lorenzo Angeloni, and Sri J.S. Mukul, Dean, Foreign Service Institute. The sixth MOU is for promoting mutual investments between the Italian Trade Agency and Invest India, to be exchanged by Mr. Michel Scannavini, President, Italian Trade Agency, and by Sri Deepak Bagla, CEO, Invest India. The Ambassador of India will be exchanging it on behalf of the Indian side. I now request the two Prime Ministers to step forward to release the logo to commemorate all activities to be organized in India and Italy in 2018 to celebrate 70 years of India-Italy diplomatic ties. Thank you. Excellencies, ladies and gentlemen, this concludes the exchange of agreement ceremony. I now request my colleague, the spokesperson of the Ministry of External Affairs, to conduct the proceedings from here on. His Excellency Prime Minister Gentiloni, distinguished delegates, members of the media. सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर जिंतोलिनी को और उनके डेलीगेशन का भारत में सहर्ष स्वागत करता हूं। भारत आने का मेरा निमंत्रण आपने स्वीकार किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। एक्सलेंसी, आपकी यात्रा भारत इटली संबंधों के एक ऐसे ऐतिहासिक समय पर हो रही है जब हम
मार्च 2018 में अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाने वाले हैं। आपके साथ आज बातचीत में मैंने अनुभव किया, हम दोनों ही अपने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इच्छुक हैं और आपकी इस यात्रा से हमें अपने संबंधों की नई प्राथमिकताएं तय करने का अवसर मिला है। आज की मुलाकात में हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोगों की समीक्षा की और साथ ही क्षेत्रीय एवं वैश्विक विषयों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। फ्रेंड, भारत और इटली विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। हमारी अर्थव्यवस्थाओं की मजबूतियों में से हमें दोनों देशों के बीच कॉमर्शियल कोऑपरेशन को बढ़ाने के प्रचुर अवसर मिलते हैं। लगभग 8.8 बिलियन डॉलर के हमारे द्विपक्षीय व्यापार में अभी काफी बढ़ोतरी होने की क्षमता है। मुझे प्रसन्नता है कि प्राइम मिनिस्टर जेंटिलोनी के साथ एक हाई लेवल बिजनेस डेलीगेशन आया है। आज दोनों देशों के इंडस्ट्री लीडर्स के साथ हमारी मुलाकात में मैंने भविष्य की संभावनाओं के प्रति काफी ऑप्टिमिज्म का अनुभव किया। हम अपने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स एंड प्रोजेक्ट्स में इटालियन कंपनियों द्वारा और मजबूत भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहेंगे। भारतीय कंपनियों के साथ कोलैबोरेशन में उनके लिए अपार संभावनाएं हैं। स्मार्ट सिटीज, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अनेक क्षेत्रों में हमारी आवश्यकताओं, इटली की विशेषज्ञता एवं क्षमताओं से बहुत मिलती जुलती है। मुझे बेहद खुशी है कि इसी हफ्ते वर्ल्ड फूड इंडिया इटली एक फोकस कंट्री के रूप में बड़े पैमाने पर भाग लेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक अन्य क्षेत्र है जिस पर सहयोग बढ़ाने के लिए हम उत्सुक हैं। इस क्षेत्र में इटली हमारे लंबे समय से भागीदार रहा है। हमारे देश के छात्रों के लिए इटली हायर एजुकेशन के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। हमने दोनों देशों के बीच मौजूद समृद्ध सांस्कृतिक संपर्क के संबंध में भी बातचीत की। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इटली में बहुत से लोग भारतीय संस्कृति, खानपान, सिनेमा, संगीत, नृत्य, योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि रखते हैं। दोनों देश पर्यटन एवं लोगों के बीच आदान प्रदान के लिए सहमत हैं और इससे हमारे आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। फ्रेंड्स, द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर के मामलों पर भी बातचीत हुई। आज के युग में प्रत्येक दिन हम नए खतरों एवं चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक स्तर पर मौजूद एवं उभर रही कुछ सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के संबंध में हमने विस्तार से चर्चा की है। हम दोनों आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने और साइबर सिक्योरिटी पर सहयोग मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दोनों पक्ष साझा चुनौतियां एवं हितों के मामलों में विभिन्न वैश्विक मंचों पर एक दूसरे का समर्थन करने और निकट सहयोग करने पर सहमत हैं। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर जेंटिलोनी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे भारत आए और उनके साथ मुझे काफी विस्तार से सभी प्रकार के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करने का अवसर मिला। मैं फिर एक बार उनका स्वागत और धन्यवाद करता हूं।
Grazie. E per noi è una occasione importante. Quindi ringrazio innanzitutto il primo ministro Modi per averci accolto in modo così caloroso e amichevole. इस यात्रा का उद्देश्य यह भी है कि हम इस वर्षगांठ के अवसर पर हमारे 70वें वर्षगांठ पर यह एक बहुत एक महत्वपूर्ण अवसर है हम अपने संबंधों को और आगे बढ़ा सकते हैं और हम दो बहुत विभिन्न देश हैं हमारे आकार में और जनसंख्या में लेकिन जहां तक हमारा जो सांस्कृतिक प्रभाव है विश्व में हम बहुत बड़ी सभ्यताएं हैं इस विश्व के और बहुत बड़े ब्रांड्स भी हैं इसलिए हमारे दोनों सरकारों के बीच हमने प्रयास किए हैं अपने संबंधों को और मजबूत करने के लिए यह बहुत बड़ा अवसर है कंपनियों के लिए और सांस्कृतिक दुनिया के लिए भी और वैज्ञानिक सहयोग के लिए भी हमारे नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ा अवसर है और पर्यटकों के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत बड़े अवसर हमारे समक्ष हैं हमारी एक बैठक हुई है इससे पहले कुछ व्यापार जगत के नेताओं के साथ भारत और इटली के व्यापार जगत के नेताओं के साथ और इस बैठक के दौरान एक बहुत स्पष्ट संदेश हमने दिया इटली में आर्थिक स्थिति काफी स्थिर है वृद्धि हो रही है और इटली एक आर्थिक विकास फिर हो रहा है यूरो जोन में और हम निवेश चाहते हैं भारत की ओर से भी भारत में बहुत बड़े सुधार किए जा रहे हैं अर्थव्यवस्था में और ये बहुत महत्वपूर्ण है एक ऐसे बड़े देश में जहां इतनी विविधता है इसका मतलब ये है कि निवेश यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो निवेश हो रहा है बहुत महत्वपूर्ण है बहुत सकारात्मक है और एक इटली जैसे देश के लिए जिसका जिनके कंपनियों का एक परंपरा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करने के लिए हम स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं स्थानीय रूप से जो श्रम बल उपलब्ध है हम उनका भी उपयोग करते हैं और हम बहुत महत्वपूर्ण ढंग से काम करते हैं जहाँ पे भी हम जाते हैं भारत एक ऐसा देश है हमें एक साथ काम करना है भारत के साथ अपने सहयोग को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहाँ हम सहयोग कर सकते हैं रेल अवसंरचना शिपयार्ड्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी और कई सारे क्षेत्र हैं विनिर्माण के क्षेत्र में और उपभोक्ताओं के लिए कई पदार्थ हैं ताकि हम एक ऐसे देश की जरूरतें पूरा कर सके जहां बहुत सारे लोग हैं जो मध्य वर्ग के हैं और जहां पे सेवाओं की जरूरत है जैसे कि कृषि के जो क्षेत्र के जो पदार्थ हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ की जनसंख्या के लिए और हमारी जो कंपनियां हैं इनको बहुत और प्रभावी रूप से यहाँ पे आके काम करना है
और हम तीसरे देश के साथ भी और कुछ कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि हमारे राजनयिक संबंधों का को दोबारा नवीकृत करने का जो हम कर रहे हैं इससे बहुत अवसर उत्पन्न होते हैं और जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा यह एक अवसर है हमारे साझे दृष्टिकोण की पुष्टि करने के लिए कुछ जो वैश्विक चुनौतियां हैं चाहे जलवायु परिवर्तन है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है हमारे लोकतंत्र के मूल्यों का भी हमें रक्षा करना है तो कई सारे चुनौतियां हैं जिनका जिनके प्रति हमारा दृष्टिकोण एक जैसा है आज सुबह मैंने एक महात्मा गांधी के स्मारक में भी मैं मुझे अवसर मिला वहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और भारत की लोकतंत्र एक भारत का जो लोकतंत्र है इतना महान लोकतंत्र है यह अपने आप में ही एक संदेश है तो हम अपने दोनों देशों के बीच संबंधों को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाना चाहते हैं और अन्य जो भविष्य में हम एक साथ काम करेंगे ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और जो भारतीय समुदाय जिसने हमारा आतिथ्य किया हम दोस्ती का इस संदेश को आगे बढ़ाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके बयान के संबोधन के लिए